नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और हमारे खास कार्यक्रम पांच की आठ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की पांच बड़ी खबरों पर, जिन पर हम करेंगे आगे चर्चा। सबसे पहले बात होगी एमपी सरकार के करोड़पति मंत्रियों की। तो करोड़पति मंत्रियों की तो बात करेंगे, उसके बाद होगी एक करोड़पति मंत्री जो सरकार से भत्ता और तनख्वाह नहीं लेते, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। और उधर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का पता अब बदल गया है। अब नए पते पर शिवराज सिंह चौहान शिफ्ट हो गए हैं। तो नए पते पर पूर्व सीएम शिफ्ट हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। और एमपी की बेटियों की भी हम बात करेंगे, जिन्होंने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। एमपी में एमपीपीएससी रिजल्ट में बेटों को पछाड़कर बेटियों ने अपना परचम लहराया है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात इस पूरे बुलेटिन में। तो सबसे पहले बात अब कर लेते हैं मोहन मंत्रिमंडल की। मध्य प्रदेश में नई सरकार में सीएम डिप्टी सीएम समेत कुल 31 मंत्री हो चुके हैं और एडीआर की ओर से मोहन मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की संपत्ति योग्यता को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। दरअसल इस रिपोर्ट में मोहन मंत्रिमंडल में शामिल 31 में 30 मंत्री करोड़पति हैं, यानी 97% मंत्री करोड़पति हैं। इनमें से केवल एक मंत्री को छोड़कर सारे मंत्री करोड़पति हैं। मोहन यादव की नई कैबिनेट में केवल सारंगपुर सीट से जीते गौतम टेठवाल के पास कुल संपत्ति 1 करोड़ से कुछ कम की है। वहीं सबसे अमीर मंत्री चेतन कश्यप है। तो चलिए सबसे पहले आपको करोड़पति मंत्री और विधायकों के बारे में बताते हैं। एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि कौन कितना करोड़पति है, किसके पास कितनी संपत्ति है, ये पूरी जानकारी आई। और 97% मंत्री मोहन सरकार में मंत्रिमंडल में 97% मंत्री करोड़पति हैं। देखिए अब किसके पास कितनी है, एडीआर की रिपोर्ट बता दी गई है। और एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है आपको बता दें। चेतन कश्यप जिनके पास करीब 296 करोड़ रुपए हैं, संजय पाठक 242 करोड़, सुरेंद्र पटवार 66 करोड़। तो ये प्रदेश के करोड़पति विधायक और मंत्री भी हैं। और रिपोर्ट की बात करें तो राकेश शुक्ला जो हैं उनकी 61 करोड़ की संपत्ति है, गोविंद सिंह राजपूत जो हैं 14 करोड़ की संपत्ति उनके पास है, कृष्णा गौर मेयर भी रह चुकी है भोपाल की 10 करोड़ की संपत्ति के साथ, वो भी इस लिस्ट में आती हैं। तो करोड़पति मंत्रियों की हम बात करें जो कि मोहन कैबिनेट के करोड़पति मंत्री हैं, और रुकी 97% जो मंत्री हैं वो सभी करोड़पति हैं। अगर टेटवाल को छोड़ दिया जाए तो इस पर बात करें, चूंकि लोगों के बीच लोगों के लिए काम करना है तो लोगों को ये पता होना चाहिए पुनीत कि उनकी सरकार में उनके संबंधित मंत्रालयों को जो संभाल रहे लोग हैं उनकी संपत्ति का ब्यौरा क्यों ना उन तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, क्यों ना उन तक पहुंचाया जाए। और डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री जो हैं वो रतलाम शहर की विधानसभा सीट से विधायक चैतन्य काश्यप हैं, मंत्री भी हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। चैतन्य काश्यप की हम बात कर रहे हैं जो सबसे पहले नंबर पर, एडीआर की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर चैतन्य काश्यप आते हैं और उनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति। जी, पुनीत ने जैसा कि बताया कि सबसे ज्यादा चैतन्य कश्यप के पास पैसे हैं, रुपए हैं 296 करोड़। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 296 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं चैतन्य कश्यप। उन्होंने विधानसभा सत्र के प्रारंभ में ही विधायक को मिलने वाले वेतन और समस्त भत्ता लेने से भी इनकार कर दिया था, जनहित में उसका इस्तेमाल किए जाने की घोषणा कर दी थी। चैतन्य कश्यप प्रदेश के रतलाम विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और पहले भी उन्होंने 2 बार वेतन और भत्ता सरकार से नहीं लिया था। अब उनकी संपत्ति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व सीएम उमा भारती ने विधायक और मंत्री चैतन्य कश्यप को नसीहत दी है। तो नसीहत में क्या दिया गया है, 97% मंत्री करोड़पति और इनमें सबसे पहला नाम, सबसे ऊपर नाम जो है वो नाम आता है चैतन्य काश्यप का, जो रतलाम की शहरी सीट से विधायक हैं और अब मोहन मंत्रिमंडल में शामिल भी हैं। तो सोशल मीडिया पर उमा भारती ने नसीहत दी है। नसीहत क्या दी है उमा भारती ने,
सोशल मीडिया पर लिखा है कि अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के अखबारों में उनकी तारीफ लिखी थी कि वो अपना विधायक का वेतनमान नहीं लेते जो कि साल का करीब 12 लाख रुपए होता है। उमा भारती ने ये सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए लिखा है। दरअसल उमा भारती लिख रहे हैं कि 296 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक व्यक्ति अगर सरकार से 12 लाख रुपए नहीं लेकर उसे छोड़ देता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है और स्वाभाविक भी है। चैतन्य कश्यप सरकार को वेतन वापस करने के बजाय ये राशि अभावग्रस्त लड़कियों की शिक्षा पर अगर वो खर्च करें, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सभी विधायक बड़े व्यवसायी नहीं होते और ना ही जो वो राजनीति से अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि यदि विधायकों और सांसदों को ईमानदारी की राह पर चलाना आसान बनाना है तो चैतन्य काश्यप जैसे पूंजीपति विधायकों को छोड़कर सभी विधायकों की तनख्वाह और अन्य भत्ते आज की सभी परिस्थितियों को देखकर मिलना चाहिए। और कांग्रेस की तरफ से इस पर टिप्पणी आई है। कांग्रेस ने क्या कहा है? कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधा है लेकिन बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। सुनवाते भारती जी वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने जिस संदर्भ में ये ट्वीट किया है जी। मैं समझता हूं उनका कथन सही है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि जिसकी संपत्ति इतनी 296 करोड़ है और वो 12 लाख छोड़ने की बात करता है, वहीं मध्य प्रदेश में जो इनको सैलरी मिलती है या जो सुविधाएं मिलती हैं वो शासन सभी विधायकों को समान रूप से देता है, सभी मंत्रियों को समान रूप से देता है। आप उसका उपयोग और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं। यदि उतनी ही राशि में 10 संख्या और बढ़ाते 10 गुना बढ़ा के चेतन कश्यप जी अगर गरीबों की सेवा करते, गरीब महिलाओं के लिए दान देते, कोई बच्चों को जिनको आवश्यकता है पैसे की जो शिक्षा नहीं कर पाते हैं उनको देते तो मैं समझता हूँ ज्यादा सही रहता। उमा जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं और सदैव ही उन्होंने संगठन के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है, पार्टी के हित में निर्णय लिए हैं, पार्टी के हित में कार्य किए हैं और स्वयं उमा जी ने अपने दूसरे ट्वीट से ही स्पष्टता जाहिर कर दी है कि उनका जो पहला ट्वीट था उसके अर्थ क्या थे। कई बार कयास मीडिया के द्वारा लगाए जाते हैं। तो करोड़पति और पैसे वाले जो यहां मंत्री हैं उसको लेकर उमा भारती ने एक बार फिर कसौटी कसी है। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, उमा भारती मानो कोई फिल्टर की तरह हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रही है। शिवराज सिंह सरकार में भी कई ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए थे जिस पर जो एक विरोधाभास देखने को मिला लेकिन बाद में दोनों भाई बहन गले लगते भी दिखाई दिए, आशीर्वाद लेते दिखाई दिए शिवराज सिंह चौहान जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वही काम मोहन सरकार में भी उमा भारती का जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दरअसल उमा भारती को लेकर अगर आपको समझना तो दो बातें जरूर हमें समझनी होगी। पहला कि बहुत बेबाकी से बात रखती हैं, बोलती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भले ही कोई नेता या जिसके बारे में वो बोल रही है वो उनकी पार्टी का है, विपक्ष का है, कहां का नेता है, बहुत बेबाकी से बोलती हैं। और यहां पर भी चैतन्य काश्यप जिनका जिक्र हो रहा है उनको लेकर उन्होंने साफ तौर पर तंज कसा है। जो दूसरी बात है वो ये कि बहुत लंबे समय से पार्टी से भी वो साइड लाइन है और विधानसभा चुनाव में भी उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो मिली नहीं या प्रचार में भी उन्हें बहुत ज्यादा मौका मिला नहीं, लेकिन उमा भारती ऐसी शख्सियत हैं कि बहुत ज्यादा समय तक आप उन्हें साइड लाइन रख नहीं सकते हैं या फिर आप कोशिश भी करें तो भी वो मीडिया में बनी रहती हैं या फिर अपनी बातों को बेबाकी से हमेशा रखती रहती हैं। शराब का मसला वो शिवराज सरकार में भी उठाती रही थी और अब ये चैतन्य कश्यप के बहाने उन्होंने एक लिहाज से कहें तो अमीर जो विधायक बने हैं या मंत्री बने हैं उन्हें एक लिहाज से नसीहत भी दी है कि उन्हें करना क्या चाहिए। दूसरा एक लिहाज से उन्होंने पक्ष उन विधायकों का भी लिया है जो जिनका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, जो व्यावसायिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, करोड़पति नहीं है, कि भाई वर्तमान स्थिति से वर्तमान हालात के लिहाज से उनकी सैलरी बढ़ाई भी जानी चाहिए। जी तो एक प्रकार से सैलरी बढ़ाने की भी बात वो कहती नजर आ रही हैं और इस मामले पर तो सारे नेता एक साथ ही नजर आते हैं, यही एक लौता मामला है। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राहुल गांधी यात्रा शुरू करने वाले, पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। और बताया यहां तक जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा 14 जनवरी से
मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। ये यात्रा 14 राज्य 85 जिलों को कवर करेगी और इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और लगभग इससे ज्यादा का यह आंकड़ा किलोमीटर्स में हो सकता है, लेकिन प्रभाव क्या होगा ये भी देखने का विषय होगा। और ये यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और फिर मणिपुर से नागालैंड जाएंगे, असम जाएंगे, फिर मेघालय होते हुए बंगाल की तरफ दाखिल हो जाएंगे, बंगाल से बिहार दाखिल होंगे, बिहार से फिर झारखंड में एंटर करेंगे, फिर झारखंड से होते हुए ओडिशा और फिर ओडिशा से छत्तीसगढ़ में यात्रा एंटर करेगी। छत्तीसगढ़ से आगे ये कारवां बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र में जाकर यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस नेताओं का यहां तक कहना है कि भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए आवाज उठाना है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। और अगले खबर की बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की ही इस न्याय यात्रा पर तंज कसा है, कटाक्ष किया है, कहा है कि यात्रा के साथ नियत भी तो चाहिए और कांग्रेस को इन यात्राओं से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अब देखिए उनकी पहले की यात्राओं का क्या हश हुआ वो हम सबके सामने है। यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। तो राहुल गांधी जी को अपनी नियत, अपने मंतव्य, अपनी भावना, अपने भाव ठीक करने होंगे। जुगलबंदी से, गैम्बलिंग से, केवल मीडिया अपॉर्चुनिटी से राजनीति नहीं चलती। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल जहां जहां जाते हैं वहां वहां कांग्रेस हार जाती है। मध्य प्रदेश में जहां जहां से गुजरे हमने देखा सत्यानाश कर दिया, क्योंकि भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत तोड़ा था तो कभी उनके पुरखों ने तोड़ा था। अब वो जहां जा जाते हैं कांग्रेस की दुर्गति होती है। मध्य प्रदेश से भी यात्रा गुजरेगी और उसके पहले भारत जुड़ा हुई, मतलब पहले भी गुजरी थी, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, अब लोकसभा के होने वाले तो 29 पे साफ होंगे। तो शिवराज सिंह कह रहे हैं कि तंज कस रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर कहा कि देश में हो रही तानाशाही के खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा, कहा कि कांग्रेस यात्रा हार और जीत के लिए निकाल नहीं रही है, बीजेपी को केवल और हार जीत से मतलब होता है, हमारे लिए सामाजिक ताना बाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये यात्रा जो राजनीतिक तानाशाही है, एक वोट अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है, इसलिए कि मेरी समस्या, मेरे शहर की समस्या, देश की समस्या के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं संसद और विधानसभा में मेरे जनप्रतिनिधि को भेजना चाहता हूं। संसद से सांसदों को बाहर निकाल दिया जाता है, विधानसभा से विधायकों को बाहर निकाल दिया जाता है। लोकतंत्र की मूल मर्यादा संवाद की होती है, उसको समाप्त करने की एक घृणित चाल है। और पूर्व सीएम शिवराज सिंह सरकारी बंगला खाली कर चुके हैं और अब शिवराज सिंह का नया पता होगा, नए पते पर वो शिफ्ट हो गए हैं। उनका नया पता है B874 बंगला स्थित, B8 उनका नया पता है। ये बंगला रिंग रोड पर स्थित है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगला खाली कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। अब शिवराज सिंह नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। अब उनका नया पता रिंग रोड स्थित B874 बंगला। नए बंगले में शिफ्ट होने पर पत्नी साधना सिंह ने आरती उतारी। सीएम हाउस छोड़ने से पहले शिवराज सिंह के परिवार सहित मंदिर में पूजा की, गौशाला में गौ माता के दर्शन किए। शिवराज सिंह चौहान को सीएम हाउस की सुरक्षा कर्मियों ने विदाई दी। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि सीएम हाउस में रहकर प्रदेश के विकास को नई गति दी। राष्ट्रीय महामंत्री रहते हुए भी पार्टी का मैं यहाँ रहा और बाद में यहीं से फिर मैं मुख्यमंत्री निवास भी गया, तो यहाँ रहकर भी जनता के लिए खूब काम किया और आगे भी जनता की सेवा का महायज्ञ यहाँ से चलता रहेगा। आगे भी चलता रहेगा यज्ञ यहाँ से, और अगली अब जो शुरुआत है, आपको नया जिम्मेदारी सौंपी गई वो भी यहीं से पूरा करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी सौंपेगी वो भी यहीं से पूरी करेंगे और जनता की सेवा तो करते ही रहेंगे।
B174 बंगला शिवराज सिंह का लकी बंगला माना जाता है। कहा जाता है कि जब से प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान सक्रिय हुए थे तभी से ये बंगला उनके नाम अलॉट किया गया है। यही कारण है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी शिवराज ने ये बंगला कभी खाली नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। MBBSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया और चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। और चयनित अभ्यर्थियों की ये जो सूची जारी हुई है, MBBSC की तरफ से 87% पदों पर ही चयन की सूची जारी की गई है। OBC आरक्षण मामले को लेकर जो मामला लंबित है, इसकी वजह से 13% पदों पर नियुक्तियां अभी रोकी गई हैं। PSC द्वारा जारी डिप्टी कलेक्टर की सूची में पहले नंबर पर प्रिया पाठक, दूसरे नंबर पर शिवांगी बघेल और तीसरे नंबर पर पूजा सोनी है। और इसके अलावा राहुल कुमार पटेल, निधि मिश्रा, हरनीत कौर कलसी, सौरभ मिश्रा, सलोनी अग्रवाल, रितिका पाटीदार, आशुतोष महादेव सिंह ठाकुर के नाम हैं। टॉप 10 में 7 लड़कियां हैं। वहीं DSP की सूची में पहला नाम रुचि जैन, दूसरा ललित बैरागी और तीसरे नंबर पर हर्ष राठौर हैं। तो MBBSC की अगर बात की जाए तो MBBSC में कुल 10 जो चयनित हुए हैं टॉप 10, उनमें 7 लड़कियां हैं, यानी बेटियों ने कमाल कर दिया है। पहले नंबर पर भी बेटियां हैं, प्रिया पाठक पहले नंबर पर हैं और उन्होंने कमाल किया है, अपने परिजनों को गौरवान्वित किया है, खुशी का मौका है। और ऐसे कुल 7 लड़कियां हैं जिन्होंने टॉप 10 में स्थान बनाया है। MBBSC का रिजल्ट जारी हुआ, बेटियों ने किया कमाल, मचाया धमाल और बेटों की भी मेहनत इसमें नजर आई। MBBSC 2019 का रिजल्ट जारी हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम जो है वो ठंड पहले खुशगवार थी लेकिन अब है प्रचंड और लोग खुले आसमान के नीचे भी सोने को मजबूर हैं। नगर निगम और प्रशासन की ओर से रैन बसेरे जरूर बनाए गए हैं लेकिन हालात क्या हैं? ये स्थिति आपको दिखाएंगे 6 तस्वीरों के माध्यम से। जो रैन बसेरे और जहां सुविधाएं दी जा रही हैं ऐसा दावा किया जाता है, वहां की हकीकत क्या है ये तस्वीरें देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जबलपुर से पहली तस्वीर, दूसरी रतलाम से तो तीसरी ग्वालियर से। स्थिति दिखने में तो कमोबेश ठीक लग रही है पुनीत, लेकिन हालात यहां पर कुछ कुछ जगह एक दूसरे से भिन्न नजर आ रहे हैं। नया साल आने वाला है और ठंड भी प्रचंड है। आप नए साल की तैयारियां कर रहे होंगे लेकिन इस ठंड में कुछ लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में रैन बसेरों में सुविधाओं को लेकर न्यूज 18 की टीम ने रियलिटी चेक किया। न्यूज 18 की टीम ने जबलपुर के रैन बसेरों में मिलने वाली सुविधाओं की पड़ताल की। यहां प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। गौरीघाट, भेड़ाघाट, तिलवारा घाट सहित अन्य इलाकों में बनाए गए रैन बसेरों में सुविधाओं की कमी दिखी। बिस्तर और कंबल नहीं मिले, लोगों को परेशानियां होती दिखी। रैन बसेरों हो गए, रेलवे स्टेशन अपना 1 नंबर प्लेटफॉर्म और 6 नंबर दोनों तरफ डाल रहे, मदन महल में डाल रहे हैं और सार्वजनिक स्थल जितने हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि पब्लिक, मतलब जो रिक्शे वाले हैं, रिक्शा स्टैंड हो गया और इस टाइप को, वहाँ पे हम व्यवस्था हमारी हो रही है और ये 15 दिन से हम कर रहे हैं। रैन बसेरा जो है वो बहुत अव्यवस्थित और खाली पड़े हैं, जिसके कारण घाटों पे जो भिक्षुक हैं, जो दर्शनार्थी हैं, दूर से दर्शन करने आते हैं, वो पन्नी ओढ़कर और सर के ऊपर छाता रख के सोने को मजबूर हैं खुले आसमान के नीचे। ग्वालियर की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी लोग खुले में रात बिताते नजर आए। ओढ़ने तक की व्यवस्था नहीं थी, लोग खुले आसमान की छत के नीचे सोते हुए दिखे। अम्मा कहाँ की रहने वाली हो अम्मा? आप बताती क्यों बेटा? नहीं, मैं शिवपुरी जिले की करेरा। तो यहाँ कब से हैं आप अम्मा? भाई साहब ने क्लास ड्यूटी, महीना भर हो गया। दादा है, इनसे बात करेंगे।
बाबा आप कहाँ से आए हैं? हम खोड़ से। खोड़ से? हाँ। खोड़ कहाँ है? शिवपुरी जिले में। हाँ, शिवपुरी जिला करेरा के पास। तो यहाँ क्या करते हैं आप लोग? ये चिनाई मनाई हो जाए, बाकी मजदूरी करते हैं। मजदूरी कर रहे हैं। तो यहाँ खुले आसमान के नीचे ही रह रहे हैं आप? हाँ। उधर खंडवा में न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद रैन बसेरे की पूरी तस्वीर बदल गई। यहां प्रशासन की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इतने बेड हैं, स्थिति बहुत बेहतर है। अभी 16 पलंग लगे हुए अपने पुरुष कक्ष में और 2 पलंग लगे महिला कक्ष में, और उसके बाद और भी व्यवस्था बहुत सारी है की 20-22 पलंग यदि लोग बढ़ जाए तो उनके लिए मेरे पास निजी कुछ मेरे घर की बिस्तर है वो भी लगा देता हूँ, लेकिन किसी को निराश नहीं करता। राजधानी भोपाल के शाहजनी पार्क के एक रैन बसेरे में हमारी टीम पहुंची, जहां 300 से ज्यादा लोगों के रुकने की व्यवस्था है। 5 रुपए में सुबह और शाम का खाना मिलता है। व्यवस्थाएं ठीक है यहां पे? हां साहब, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ। बढ़िया, सर्दी में कंबल वगैरह सब मिल रहा है। हाँ। खाना भी मिलता है, टाइम से खुलता भी है, टाइम से अपने सब काम सही होती है। कैसे व्यवस्थाएं संचालित होती हैं जी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर, रहने खाने सोने की संपूर्ण व्यवस्था है, शौचालय की संपूर्ण व्यवस्था है, अलाव जल रहा है, रजाई कंबल सब दिए जा रहे हैं, वो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, स्वच्छता की पूरा ध्यान दिया जा रहा है सब। इंदौर में भी प्रशासन के दावे की पोल खुल गई, यहाँ भी रैन बसेरों में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही। तस्वीरें प्रशासन के हवाई दावों की बयां कर रही हैं। कड़ाके की ठंड में लोगों के पास उड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। रहने की जगह नहीं है? रहने की जगह ही नहीं है सर हमारे पास, तो अब हम कहाँ जा रहे थे? गए थे रैन बसेरा, तो वहाँ पैसे मांगते हैं। क्यों पैसे मांगते हैं? हाँ पैसे मांगते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं पैसे लगेंगे, 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकना। ठंड प्रचंड है, लेकिन रैन बसेरों में सुविधा की कमी है। नए साल के साथ ही सर्दी का सितम भी लोगों को सताएगा। प्रशासन की अनदेखी के कारण लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो खुली रात के साए में, सर्दी में, खुले में जीवन ना बिताना पड़े, इसलिए रैन बसेरे बनाए जाते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है।